आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी के अंदर पूरा बदलाव आ गया है 1 अक्टूबर 2022 से। पूरा जीएसटी चेंज हो गया है, लगभग आईटीसी के नियम सारे चेंज हो गए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं 1 अक्टूबर से। अब ITC लेना आपको बड़ी दिक्कत का काम हो सकता है 1 अक्टूबर से। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, एक क्लोज इंसर्ट हुई है, क्लोज BA, ये सारी की सारी जो है अमेंडमेंट, ये फिनेंस एक्ट 2022 से पहले ही आ चुकी थी, लेकिन ये नोटिफाइड नहीं हुई थी। तो इन्होंने क्या बोला है, 1 अक्टूबर 2022 से हम इन्हें नोटिफाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या करा है, एग्जाम्पल के साथ आपको ये सारी चीज़ों को समझा रहे हैं। अब ये जो क्लोज है, नई क्लोज BA, ये क्या कहती है कि भाई ITC तुम्हें तभी मिलेगा जब आप सेक्शन 38 की कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे। अगर आप सेक्शन 38 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो हम आपको ITC नहीं देंगे। अब आप कहोगे सर ये सेक्शन 38 क्या है, तो भाई ये जो सेक्शन 38 है, ये पुराने वाला सेक्शन 38 की बात नहीं कर रहे, इन्होंने नया सेक्शन 38 दिया है और उसमें बोला है कि अगर आपने माल परचेज करा, गुड्स या सर्विस आपने रिसीव करी कुछ सप्लायर से, और वो सप्लायर कौन से हैं, ये 5 तरीके के सप्लायर्स हैं, अगर आपने इनसे परचेज कर लिया तो आपको ITC नहीं मिलेगा। सर कौन से 5 सप्लायर है, पहला सप्लायर है न्यू मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। अरे सर क्या नाम आ गया इसका, न्यू मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे सप्लायर से परचेज करोगे जो कि अभी नया नया है, बिल्कुल न्यू है, तो आपको ITC नहीं मिलेगा, वो ITC आपके 2B में जाएगा, लेकिन इन एलिजिबल में जाएगा। किसके अंदर जाएगा, इन एलिजिबल में जाएगा। एक दूसरा डिफॉल्टर एंड कंपनी, अगर आपने ऐसे व्यक्ति से माल परचेज कर लिया जो अपनी टैक्स की पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसका ITC भी आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि वो आपके 2B में जाएगा लेकिन नॉट अवेलेबल में जाएगा। एक है फेलियर प्राइवेट लिमिटेड, भाई फेलियर प्राइवेट लिमिटेड क्या है कि अगर उसकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसकी 3B के अंदर कम है और GSTR 1 के अंदर ज़्यादा है, अगर ऐसा आपका कोई सप्लायर है तो वो अपनी GSTR 1 भरेगा लेकिन तुम्हें उसका ITC नहीं मिलेगा, वो आपके ITC के नॉट अवेलेबल में जाएगा। एक है चीटर ट्रेडर्स, चीटर ट्रेडर्स का मतलब क्या है, ऐसा सप्लायर जो आपसे, ठीक है ना, चीट कर रहा है। कैसे चीट कर रहा है, उसे जितना ITC लेना चाहिए था उससे ज़्यादा क्लेम करके बैठा है, तो फिर भी आपको ITC नहीं मिलेगा। तो आपको इन लोगों से बचना है, इन कंपनी से बचना है। एक है स्कैमर, मतलब कि उसे अपनी जो टैक्स की पेमेंट करनी थी वो कैश लेजर से करनी थी लेकिन उसने कैश लेजर से नहीं करी, वॉयलेशन करा सेक्शन 49(12) का, तो आप ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा, आपको इनसे परचेज नहीं करना है 1 अक्टूबर 2022 के बाद। सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि जिनसे हम परचेज कर रहे हैं वो लोग इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं, तो भाई ये तो गवर्नमेंट बताएगी, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला ये कैसे पता लगेगा, ये तो पोर्टल ही बताएगा। हो सकता है कि जैसे ही आप अक्टूबर की रिटर्न फाइल करें या अक्टूबर का 2B देखें तो आप देखें कि आपका सारा ITC 2B में आ तो रहा है लेकिन नॉट एलिजिबल में आ रहा है, और गवर्नमेंट ने वहाँ पर रिमार्क डाल रखा है कि भाई इन सप्लायर ने ये डिफ़ॉल्ट करा है। तो अब ना समय आ गया है कि आप अपने सप्लायर को चेक कर लें कि क्या वो सही बंदा है या नहीं है। अगर वो सही बंदा नहीं होगा तो सेक्शन 38 के हिसाब से आपको ITC नहीं मिलेगा, और ये वाली बात इन्होंने सेक्शन 16 के अंदर एक नई क्लोज को इंसर्ट करके डाल दी है और ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। अब दूसरी मजे की बात जो इन्होंने डाली है, जो रिलैक्स दिया है, इन्होंने क्या कहा है कि भाई तुम ITC जो क्लेम करते थे, पहले ITC क्लेम करने की डेट हुआ करती थी सितंबर की ड्यू डेट, मतलब कि अगर मैं QRMP वालों की बात करूं तो QRMP वालों के लिए डेट हुआ करती थी 22 और 24 अक्टूबर। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, 30 नवंबर तक ITC ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बदमाशी करी है,
बदमाशी ये है कि सितंबर का अगर रिटर्न कोई फाइल करता है QRMP डीलर, उसकी तो डेट ही 22 से 24 सितंबर है, अक्टूबर है, तो भाई वो 30 नवंबर तक ITC कैसे क्लेम करेगा? या तो वो अपनी जो है सितंबर की रिटर्न को लेट फाइल करे, 30 नवंबर तक फाइल करे, तो उस केस में क्या होगा, उसे इस बीच की लेट फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये वाली जो रिटर्न्स है, जो सितंबर की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिटर्न होने वाली है। तो इसलिए हमने क्या करा है, 9 अक्टूबर संडे को एक सेशन प्लान करा है, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट है CA शिवा गोयल जी आएंगे और मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ITC कैसे ले, ठीक है, मैं बताऊंगा 22-23 में ITC कैसे लेना है, और GST में जो भी सारी अमेंडमेंट्स है सारी की सारी बताएंगे, 9 को अपनी को कैसे ठीक करें, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा लो इन नंबर पर बात करके, नहीं तो इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। चलिए बात कर रहे थे हम किसकी, अमेंडमेंट्स की। तो यहाँ पर QRMP वालों को कोई ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दिया, QRMP वालों के लिए तो पहले भी डेट 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर थी, अब भी डेट 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर है, लेकिन अगर वो लेट फीस पे कर 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न को डिले करते हैं 3B, तो तब वो अपना ITC 30 नवंबर तक ले सकते हैं। लेकिन 30 नवंबर तक लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नई रिटर्न देंगे ये ITC लेने की, ITC तो आपको सितंबर की रिटर्न में ही क्लेम करना पड़ेगा QRMP स्कीम वालों को, क्योंकि भाई इनकी तो रिटर्न ही क्वार्टरली जाती है, अगर इन्होंने सितंबर में छोड़ दिया तो इनकी रिटर्न कब आएगी, आपकी अक्टूबर से दिसंबर की आएगी, वो तो जनवरी में फाइल होगी, तब तक तो ये 30 नवंबर जा चुका होगा। लेकिन जो लोग मंथली वाले हैं उनके लिए इन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, क्योंकि मंथली वाले अपना जो ITC है सितंबर की रिटर्न में लेना चाहे ले ले, अगर वो भूल जाते हैं तो अक्टूबर की रिटर्न तक ले सकते हैं, क्योंकि उनकी अक्टूबर की रिटर्न कब फाइल होती है, उनकी अक्टूबर की रिटर्न होती है 20 नवंबर को फाइल, तो भैया वो अपनी उस रिटर्न में ले सकते हैं, और अगर वो लेट फीस के साथ लेना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक अपनी अक्टूबर की रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं। तो जहां जहां पर भी टाइम लिमिट 30 नवंबर हुई है तो वहां वहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट है वो मंथली है या क्वार्टरली है। तो मंथली के केस में तो अक्टूबर की रिटर्न हो जाएगी, और जो क्वार्टरली के केस में होगा वो अभी भी सितंबर की रिटर्न ही रहेगी। वो बात अलग है कि आप लेट फीस पे करके आप उसे एक्सटेंड कर लो। अब आगे की बात करते हैं सर, और क्या अमेंडमेंट हुई है भाई, ये जो सेक्शन 29 में एक अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने जो कंपोजिशन डीलर थे वो अपनी रिटर्न ने फाइल नहीं करते थे, जो उनकी GSTR 4 थी, अब उन्हें बोल दिया है कि अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करी तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई कंपोजिशन वाले को भी अब अपनी टाइम पर रिटर्न फाइल करनी होगी। एक बात करते हैं हम, क्रेडिट नोट के अंदर अमेंडमेंट करी है। अब क्या होता है, 31 मार्च को आपने सेल करा और उसका जो क्रेडिट नोट आपने बनाया वो लेट सपोज बनाया 1 दिसंबर को, तो अब इन्होंने कहा अगर आप 1 दिसंबर को क्रेडिट नोट बनाओगे तो बना लो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको क्रेडिट नोट रिपोर्ट करना है, अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो आपको वो 30 नवंबर से पहले रिपोर्ट करना है। तो जब भी ये डेट 30 नवंबर आ जाएगी तो QRMP वाले केस में क्या होगा कि भाई आप अपनी IFF में रिपोर्ट कर सकते हो। कैसे रिपोर्ट कर सकते हो, अक्टूबर की जो आपकी IFF होगी वो 13 नवंबर तक रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ 3B में रिपोर्ट करने वाली तो वो सितंबर ही है, ठीक है, इसके बाद की डेट नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो उसे आपको कब तक रिपोर्ट करना है, अगर आप अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं। इसके बाद ये सेक्शन 37 में अमेंडमेंट लेकर आए। सेक्शन 37 में इन्होंने क्या बोला, अगर आपने अप्रैल की GSTR 1 फाइल नहीं करी तो हम आपको मई की GSTR 1 फाइल करने ही नहीं देंगे। ये नया सेक्शन 37(4) लेकर आए हैं। तो अब आपको ये समझना होगा कि भाई अगर हम GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत है। और इसके बाद जो मैचिंग और मिसमैचिंग वाला कंसेप्ट था इन्होंने सेक्शन 37 से उसे हटा दिया, ठीक है ना जी। सेक्शन 38 मैंने आपको बता ही दिया, डिटेल में हम चर्चा करेंगे संडे वाले वेबिनार में,
सेमिनार में, तो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक बात करते हैं सेक्शन 39 में, सेक्शन 39 में इन्होंने बहुत अच्छी अमेंडमेंट करी है। सेक्शन 39 में इन्होंने क्या बोला है, एक तो भाई जो ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते थे उनकी जो ड्यू डेट है वो 13 तारीख कर दी है रिटर्न फाइल करने की। एक इन्होंने क्या बोला है, अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हो। तो करेक्शन वाली चीज़ें जो भी वो सितंबर की ड्यू डेट हुआ करती थी अब उसे नवंबर कर दिया है, तो मैंने वो एक एग्जांपल के साथ आपको बता दिया, ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये बात है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करता तो अब उसे 3B फाइल नहीं करनी दी जाएगी। मतलब कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि GSTR 1 फाइल ना करके 3B फाइल कर लूँ, अब वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इन्होंने इस बात को इसके अंदर सेक्शन 39 में मेंशन कर दिया है, तो ये एक ज़बरदस्त अमेंडमेंट है। हाँ जी, सेक्शन 41 में बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट है। सेक्शन 41 किस चीज़ का, ITC का। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई बात सुनो, यहाँ पे हमने एग्जांपल से बताया है कि भाई अगर नेहा जी ITC क्लेम कर लेती हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका जो सप्लायर है राकेश वो टैक्स जमा नहीं करता है, तो नेहा जी को जो वो उन्होंने टैक्स का ITC लिया है वो रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और जब राकेश टैक्स की पेमेंट कर देगा तभी नेहा जी ITC दोबारा रिक्लेम कर पाएंगी। तो यहाँ पर ये बड़ी समस्या हो गई कि अगर आपका सप्लायर टैक्स की पेमेंट नहीं करेगा तो आपको ITC नहीं मिलेगा। ये इन्होंने एडिशनल कंडीशन डाल दी कि अगर आपने वो ITC ले भी लिया, पहली बात तो देंगे ही नहीं, सेक्शन 38 लगा देंगे, सेक्शन 16BA लगा देंगे, जो क्लोज है वो लगा देंगे, फिर भी अगर तुमने ले लिया तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो 2-3 सेक्शन थे वो डिलीट हो गए हैं जिनका कोई यूज़ नहीं था। सेक्शन 49(12) एक नया लेकर आई है, इन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो ITC है, ठीक है, सारा का सारा यूज़ कर लो टैक्स पेमेंट में, कुछ ना कुछ कैश भी दो। तो इन्होंने बताया है कि भाई अगर आप सारा का सारा यूज़ कर लोगे तो बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को इन्होंने बोला है कि भाई आपका जो डिफरेंस होना चाहिए वो ये प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। तो आने वाले समय में ना बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत सारी है, जितने सेक्शंस में अमेंडमेंट की है कुछ के तो रूल्स आ गए, कुछ के रूल्स आना अभी बाकी है। तो हमने क्या करा है, ये जो हमारी मैगज़ीन है अगर आप देखोगे तो हमने लगभग फाइनल कर दी है अक्टूबर 2022 की मैगज़ीन। इस मैगज़ीन के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट आई है वो हम सारी बता रहे हैं, ठीक है ना, और जो ऐसी अमेंडमेंट आती रहेगी तो उसमें भी हम मैगज़ीन के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने अभी तक मैगज़ीन नहीं ली है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मैगज़ीन ले ले, ठीक है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों की मैगज़ीन इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि GST में बहुत बदलाव होंगे। इसके अलावा हमने क्या करा है, जो हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मेंबर्स हैं उनके लिए हमने क्या करा है, 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर दी है पूरी अमेंडमेंट की, वो आपको इस वीक में आपको मिल जाएगी और सारी अमेंडमेंट्स आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव अभी तक नहीं ली तो आप इसे ले लें। आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं, KJ क्लासेस का ऐप है, वहाँ से आप हमारे कोर्स देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट हमने इस मैगज़ीन में दी है। हमने क्या करा है, हमने अपने वेबिनार में डिस्कस करा है, अपनी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मेंबर्स को दी है। तो अगर आप हमारी ये सर्विस लेते हो तो आपको GST में अपडेट होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना कौन कौन सी अमेंडमेंट आपको अच्छी लगी। ऐसे और भी अमेंडमेंट्स हैं लेकिन इम्पोर्टेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं करा है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और इसी तरीके से हमारी वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।